बचपन से सुना समझा है कि खाना वेस्ट करना बुरी बात है, पर इसके बावजूद कई बार हम थाली में खाना छोड़ देते हैं। कचड़े में सड़ते हुए खाने से भारी मात्रा में मीथेन गैस रिलीज होती है, जो हमारी सेहत के लिए काफी हार्मफुल है। पर क्या आपने कभी सोचा है हर रोज वेस्ट हुए हजारों टन खाने का क्या होता होगा? लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला है राजस्थान के निखिल बोहरा ने। निखिल, वेस्ट फूड से पशु आहार यानी कि एनिमल फीड बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे खाना वेस्ट भी नहीं होता और वो इस काम से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। At Kirmanshi, we want to solve these both problem. हम पशुओं के चारे और भोजन, फल और सब्जियों की बर्बादी की समस्या को खत्म करने का काम कर रहे हैं। हम वेस्ट फूड को जानवरों के चारे में बदल रहे हैं और उन्हें बेहतर प्रोडक्टिविटी और इम्यूनिटी देने में मदद कर रहे हैं। पेशे से बायोटेक इंजीनियर निखिल ने कई कंपनीज में फूड और एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। अपने एक प्रोजेक्ट के दौरान मिल्क प्रोडक्शन पर काम करते टाइम उन्हें इस काम को करने का आइडिया आया। फिर निखिल ने साल 2015 में अपने पिता कृष्णकांत के साथ मिलकर Kirmanshi नाम से स्टार्टअप को शुरू किया। शुरुआत में उनके पास संसाधन नहीं थे, इसलिए उन्होंने एनिमल फीड खुद तैयार करने की बजाय दूसरे लोगों से तैयार करवाया। फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट की मांग बढ़ी तो जोधपुर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तैयार कर खुद प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। निखिल अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, साथ ही उनके साथ 300 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स भी जुड़े हुए हैं। निखिल किसानों, कुछ फूड कंपनीज और एनजीओ की मदद से फूड वेस्ट इकट्ठा करते हैं, फिर लैब में उसकी सफाई और ट्रीटमेंट कर उन्हें सेग्रीगेट करके सुखाया जाता है। इसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, उनमें हेल्दी न्यूट्रिशन मिलाए जाते हैं और फिर क्वालिटी टेस्टिंग के बाद उसकी पैकेजिंग की जाती है। निखिल की टीम हर दिन 30 टन से ज्यादा फूड वेस्ट को अपसाइकिल कर रही है, जिसे वो देश भर में सप्लाई करके सालाना 5 करोड़ का कारोबार कर रहे हैं। आज निखिल अपने इनोवेटिव आइडिया से हजारों टन वेस्ट फूड को अपसाइकिल करके सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, साथ ही उनके इस काम से कई किसानों को भी फायदा हो रहा है। ऐसी और भी पॉजिटिव स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।